की करेंसी ने पाकिस्तानी रुपए का हाल बेहाल कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 18.5 रुपए महंगा 285 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए महंगा होकर 291 रुपए पर आ गया। IMF के मुतालबे पर शरह सूद में 2% इजाफे का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। शरह सूद कितनी रखी जाए, स्टेट बैंक आज फैसला करेगा। इस वक्त शरह सूद 17% है। IMF के साथ मुआहदे से मईशत को सहारा मिलेगा। मुआशी इस्तेहकाम से ही सियासी इस्तेहकाम वाबस्ता है। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। मुल्क अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में शुरका का आज़म। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद की सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम लगाने की हिदायत कर दी। कहा, दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम करने के लिए इकदाम नागुजीर हैं। सस्ती बिजली देकर अवाम की जेब पर बोझ कम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 2 सूबों में इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। सिक्योरिटी इंतजामात, फंडिंग और अमले की फराहमी पर गौर। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तरक्याती मनसूबों और तकर्रो तबादलों में रिश्वत लेने का इल्जाम है। इमरान खान को दुश्मन ममालिक की सपोर्ट हासिल थी। इमरान खान ने जानबूझकर मुल्की मईशत को तबाह किया। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, इमरान खान पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इमरान खान को गेम प्लान के तहत सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। इमरान खान के पास सोशल मीडिया के टेररिस्ट मौजूद हैं। ना अहलों की बारात ने मुल्की मईशत का जनाजा निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती नुमाइंदों को मुअत्तल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पिशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या बलदियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। अगर किसी पर एतबार नहीं तो कार्रवाई करके हटा दें। गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, IG भी विफाक के नुमाइंदे हैं, क्या उनको भी मुअत्तल करेंगे? MNAs पर तहफ़ुज़ात हैं तो क्या कौमी असम्बली को भी मुअत्तल कर देंगे? मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का इल्ज़ाम। FIA का सायरा अनवर को शोकॉज जारी। जायदाद, गाड़ियों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब। सायरा अनवर को 30 रोज में जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। मर्दमशुमारी पर MQM समेत किसी भी सियासी जमात की शिकायत का अजाला होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। कहा, पूरी कोशिश है डिजिटल मर्दमशुमारी शफाफ अंदाज में हो। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर बलूचिस्तान के किसानों का पारा हाई। ज़रई फीडर्स पर 2 घंटे बिजली की फराहमी का फैसला मुस्तरद। बलूचिस्तान के जमींदारों का एहतजाज। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर की कौमी शाहराएं बंद कर दी। और अफगानिस्तान के सूबा खोस्त में बारूदी सुरंग का धमाका। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 3 अहम कमांडरों समेत 6 दहशतगर्द हलाक, 15 जख्मी हो गए।